तो देखिए हमने यहाँ आकर फंस गए, एक फॉर्म ऑनलाइन कर रहे थे लेकिन यहाँ पे आए तो देखिए आपको फोटो अपलोड करने के लिए मांग रहा है, वो भी आपको 20 KB होना चाहिए। अब किस में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, अगर इसका फॉर्मेट अलग होगा तो अपलोड ही नहीं होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 KB में ही चाहिए, ये भी 20 KB में चाहिए, 20 KB में चाहिए। लेकिन हमें दिक्कत कहाँ होती है, आप लोग भी कोई भी फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, चाहे किसी नौकरी के लिए, चाहे कोई भी फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है तो क्या करता है, 40 KB, 50 KB, 100 KB में अपलोड करेंगे। लेकिन आप जो भी कोई फोटो आप नॉर्मल खींचते हैं तो कम से कम 100 KB से ऊपर ही जाता है, 100 KB से बहुत मुश्किल बात हो गया, वो MB में ही जाता है, 1 MB, 2 MB, 3 MB, MB में जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है जब अपलोड करना हम जाते हैं अपलोड करने के लिए, फिर अपलोड नहीं होता है, फिर क्या करता है, वो कहता है कि आप 40 KB से ऊपर नहीं लेंगे, जहाँ यहाँ है जैसे कि यहाँ है 20 KB से ऊपर नहीं लेंगे। तो हम ऐसे ही फॉर्म ऑनलाइन कर रहे थे शौचालय के लिए, चलिए आप दिखा देते हैं, यहाँ पर हम शौचालय के लिए ऑनलाइन कर रहे थे, ग्राम प्रधान द्वारा व्यक्तिगत शौचालय की मांग, तो हम व्यक्तिगत शौचालय की मांग कर रहे थे, तो ये क्या कर रहा है, 20 KB में ही हमको फोटो चाहिए, नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि कोई भी फोटो हो उसको हम KB में कन्वर्ट कैसे करें और उसे आसानी से अपलोड कर लेते हैं, चाहे आपका कितना भी बड़ा फोटो हो, 10 MB का हो, 20 MB का हो, 5 MB का, 2 MB का, आप आसानी से उसे KB में बदल सकते हैं। मान लीजिए 10 KB हमको चाहिए 10 KB में, 40 KB चाहिए 40 KB में हम बदल सकते हैं, एक हमारे पास है उसे हम ओपन कर देते हैं, इसका नाम हम बाद में बताएंगे, पहले आप देख लीजिए इसे कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले हम कोई इमेज आपको दिखा देते हैं, कोई भी इमेज है उसे आप हम दिखा देते हैं उसका KB साइज, और उसके बाद हम कन्वर्ट करना चाहेंगे। जैसे कि ये हमारा इमेज है, इसको आप पहले देख लीजिए अब ताकि आपको विश्वास हो जाए कि कितना KB का है। तो यहाँ देख लीजिए, आप देख लीजिए 2 MB का है, हम इसे हम बदलेंगे 50 MB, 60 MB, जितना आप चाहेंगे इंटर करेंगे उतना आपका KB में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 MB है, इसका मतलब जानते हैं KB में कितना होगा, ये 2024 KB होगा। अब इसको आपको क्या कितने में चाहिए, मात्र 40 KB हमको चाहिए, ये 40 KB में आ जाएगा, चाहे 20 KB में चाहिए तो 20 KB में आ जाएगा। चलिए जानते हैं कैसे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो ऐप ओपन करते हैं तब तक। चलिए इसे हम कट कर देते हैं यहाँ पे, तो चलिए हम इस ऐप को ओपन कर देते हैं, ये ऐप ओपन हो गया, बस इतना ही इसका काम ही है, एकदम आसान ऐप है, आपको प्लस वाले बटन पर दबा देना है और जहाँ आपका फोटो है वहाँ पर चले जाना है। जैसे हमने कैमरा में फोटो खींचा है उसमें आ जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला फोटो था ना, कितने में था, 2 MB में, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना MB में है, अभी 1.98 MB में है, और इसका KB आपको यहाँ दिखा देते हैं, 2 MB का है और ये KB में देख लीजिए 2022 KB में है, इसे हम कन्वर्ट करना जानेंगे। तो आपको कितना में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमको 45, चलिए 45 में ही कन्वर्ट करेंगे, 45 इंटर कर लेंगे और यहाँ पे साइड में यहाँ पे जो कन्वर्ट लिखा है इस पर हम दबा देंगे कन्वर्ट ना। अब देखिए कन्वर्ट हो रहा है, KB में कन्वर्ट हो जाओ, अब आपको देख लीजिए आपके सामने देखिए कन्वर्ट होगा, देखिए हमने 45 डाला था लेकिन 43 MB में ही कन्वर्ट कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इमेज आपका 2 MB का था वो कितने में हो गया है, 0.0 MB में, और KB में कितना था, 2022 KB में था, लेकिन अब कितने में हो गया है, मात्र 33 KB में कन्वर्ट होकर आ गया। इससे आप आसानी से कितना भी बड़ा इमेज हो अब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस ऐप का नाम आपको बता देते हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर चले जाना है, प्ले स्टोर पर जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर टाइप कर देंगे इमेज कंप्रेसर। अब इमेज कंप्रेसर में आएंगे तो बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो तीसरे नंबर का दिखाई दे रहा है इमेज कंप्रेसर लाइट, आप इसका इमेज देख लीजिए, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी सब डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ऐड आते हैं वो बहुत झमझम रहता है, तो आप इन झमझम से बचना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे में डाउनलोड है, अगर आप में नहीं डाउनलोड होगा तो ऐसे इस पर प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए आपका इंस्टॉल का बटन आ जाएगा, और मेरे में ओपन है तो ओपन का बटन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके सिंपल इसे आप ओपन करेंगे आसानी से, बस इतना ही इंटरफेस है, मुश्किल से 1 MB का ऐप है, ज़्यादा MB भी नहीं खर्च होगा, और आप किसी भी फोटो या इमेज को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो मेरा नाम है प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं प्रदीप टेक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।